भाई ऐसा है, हमें गांव से जुड़े हुए बंदे बेशक शहर में रहता है पर अपने रूट्स कोई नहीं भूलता, ठीक है। बाकी सीन क्या है, मिट्टी को ऐसा थोड़ा पीस हुआ, फिर इसे थोड़ा गीला करेंगे और इसमें ना फिर इसमें लगाएंगे ताकि काला ना हो। किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मिर्चे काटे हुए, नींबू काटा हुआ, अभी डाल लेंगे, ठीक है। तो भाई लोग अपना चिकन रेडी है, अपना देख रहे हो, अपना चिकन चावल सलाद प्लेट सब रेडी है। बाकी चिकन के बाद दिखा रहे, ये चेक करो, देख रहे हो। और सबसे बड़ी चीज दिखाऊं, ये व्यू चेक करो मेरे भाई, सही बताओ तो देख रहे हो। तो ठीक है, करते हैं फिर टेस्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई हो आप सब बढ़िया होंगे। तो राम राम आप सभी भाइयों को। तो फाइनली आज है संडे, रेस्ट डे। तो आप जानते हैं संडे में लोग कोई घूमने जाते हैं, कोई कुछ करने आता है। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे, पिकनिक नहीं मलई लोकल में। यहाँ एक नदी है, उसके साइड में भाई लोग हैं चार पाँच हम लोग। तो आज बनाने वाले हैं हम चिकन, ठीक है। तो ठीक है, उसकी पूरी मतलब समझ रहे हो प्रिपरेशन दिखाएंगे जो भी होगा। यार आज संडे है, थोड़ा रिलैक्स का दिन है, आज रिलैक्स करना तो बनता है, ठीक है। तो पहले तो देखो ये अपने सोफे के कवर लगवाए अभी नए, मम्मी लगा रही है अपना, चलो ठीक है जैसा भी है। बाकी चलते हैं, सामान सुमान सारा भाई लोग ले गए थे अपने छोटे भाई लोग जैसा भी था। अब हम जाएंगे वहाँ, जगह बनाएंगे आग उग वगैरह लगाने की जैसा भी होगा, और दिखाते हैं पूरा कैंपिंग का पूरा होने वाला है एक तरीके से शॉर्ट, ठीक है। पूरा मजा है, संडे है तो वन डे है भाई, जो कायदे की बात। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। तो भाई आज से बताऊँ, आज काफ़ी मजा आने वाला है क्योंकि आज संडे है। जैसे कि मैंने अभी बोला, बहुत टाइम हो गया था छोटे भाई लोगों के साथ बैठे, तो इनका सबका प्लान था चिकन बनाएंगे नदी के किनारे। तो ठीक है, जैसा भी होगा चलते हैं, ठीक है। आज मजा आने वाला फूल, क्योंकि ना व्लॉग काफी टाइम से आ नहीं रहे थे, सोचा आपको दिखाते हैं ऐसा भी है। चल भाई, भाई लोग सारा सामान अपने भिजवा रहे थे, देखो जो गरम मसाले वगैरह है ना वो यही रह गए हमारे हाथ तो देसी नहीं है। ले पकड़ी से रख ले भाई, पहले तो व्यू दिखा दे भाई लोगों को ना। अब सिस्टम है, सिस्टम बताते हैं, सिस्टम है कैड़ा, जो कायदे की बात है। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम जा रहे थे ना, सीन क्या है, पहले तो आप पूरे नज़ारे देख लो यहाँ से। ये देख रहे हो, ये पुल बन रहा है, ये है, ये आगे हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ये उत्तराखंड है, आगे यहाँ है हिमाचल। ये देखो, ये सामने पुल बन रहा पूरा, देख रहे हो। हाँ, ये पूरे पुल के वो आ रखे जो मजिस, मतलब जो भी है आप समझ जाओ। ये पूरा सरिया देखो, यहाँ पे सरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है ना सामने पहाड़, ये पूरा पहाड़ कटेगा भाई, पूरा कटेगा। तो मैं आपको बताऊं सीन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या काम कराया यहाँ पे ना, गवर्नमेंट ने फोर लेन हाईवे निकाला है यहाँ पे, जिसका काम चढ़ा बड़े जोरों से। आप अगर आप कभी आओगे देहरादून से पॉन्टेक, तो आप शिमला बाईपास से आना, आपको दिख जाएगा आने वाले एक दो साल के अंदर आपको इतने बेनिफिट होंगे इस रोड के कि आप डायरेक्ट पौंटा साहिब हिमाचल में डायरेक्ट आप नाहन रोड से, नाहन रोड के पास निकल सकते हैं, आपको मेन मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, सीरियस बताऊँ। और इसे बताऊँ, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा अब लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ, और टाइम भी बचेगा, और बहुत ज़्यादा जितने भी हैवी व्हीकल्स होंगे सब यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, जो हमने करना है आज तो कुकड़ुकू होगा। चलो हमने, मैं तो बाइक उतार ली थी, तो फाइनली हम आ चुके हैं, हमें जाना है वहाँ आगे, वहाँ पानी के पास ना, वहीं गड्ढा करेंगे, लकड़ियाँ वगैरह यहीं से ढूंढेंगे और उसके बाद बनाएंगे चिकन। तो भाई हमने ना यहाँ से तो बाइक उतार ली थी, यहाँ से ना सीन क्या है, ये एरिया देखो आप, हमें यहीं से लकड़ी हम इकट्ठी करेंगे, ये जो पूरा यहाँ से लकड़ी लेंगे, यहाँ पे सामने नदी है ना, वहाँ पे चिकन लेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा, मतलब सब ही आएगी, सब हाथ की मेहनत रहने वाली है आज, गड्ढा भी करना, लकड़ी जलानी। और अभी सीन क्या होगा, मेरी माँ ने साफ वार्निंग दे रखी, अगर मेरे बर्तन काले हो गए ना अच्छा नहीं होगा, तो उसके ऊपर मिट्टी लगानी पड़ेगी बर्तन के ऊपर, वो दिखाऊंगा किस तरीके से लगानी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं,
फाइनली ना ऊपर से दिखाना, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने अड्डे पे जहाँ पे हमें आना था। पहले तो ये देख लो सामने अपना पानी, ठीक है, और ये पूरी नदी है। पहले पानी यहाँ से कट रहा था बट वो सामने से कट गया। अब तो सीन क्या है कि अभी ना चारों तरफ क्या है कि हवा तेज चढ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इस टाइप का कोना है ना, इस टाइप का कोना कोई ढूंढेंगे बनाने के लिए, ठीक है। बाकी ऐसा है अभी यहाँ जब तक मेरे दोस्त लोग सामान सामान लेके आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ ना थोड़ा लकड़ियों का जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं। सही है ना लकड़ी, यहाँ लकड़ियाँ वगैरह मिल जाएगी, मजा आ जाएगा पूरा। आ जा, पत्थर बहुत है यार, आराम चाहिए। एक लकड़ी तो ये मिल गई है जलाने के लिए। तो भाई ऐसा है, अपन ढूंढे लकड़ी आग लगाने के लिए। और सही बताओ ये एक तरीके से नेचुरल कैंपिंग समझ लो, जो भी समझ लो, मजा बहुत आता है दोस्तों। आप भी कभी लाइफ में ट्राई करो, जिन जिन्होंने नहीं किया। तो भाई अभी ऐसा जब तक तो वो लोग आते तब तो हम लकड़ी इकट्ठी कर लेते, फिर अपना अड्डा वगैरह ढूंढ लेंगे। बाकी भाई लोगों को व्यू दिखा दे एक बार, देखना चाहिए ना कि किस जगह बना रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये जगह कैसी लगी। दिखा चल ऊपर देख, क्या तू यहीं रहा, मैं ऊपर देख के आ रहा। भाई ऐसा है सीन, पता क्या है, यहाँ सारी पतली लकड़ियाँ हैं, ये तो 2 मिनट में चटक जाती है यार, हमें चाहिए मोटी लकड़ियाँ, मोटी मिल नहीं रही यार। देखते हैं थोड़ा घूम फिर के मिल जा, तो ऐसे जंगल में भटकना पड़ रहा, झाड़ियों में जंगल सामने है भाई, वहाँ पे यहाँ पे नदी आएगी। तो ठीक है लकड़ी वगैरह ढूंढ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो भाई फाइनली भाई लोग आ गए, ठीक है। ये देखो आप, गाजर मूली नींबू टमाटर धनिया मसाले प्याज सब है, चिकन है, प्लेटें वगैरह सब है। सीन क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, मेरी माँ ने साफ वार्निंग दे रखी है, अगर ये काला हो गया ना तो अच्छा नहीं होने का भाई। तो पंगा क्या है, इस पतीले में ना गीली करके ना साइडों में मिट्टी लगी ताकि ये काला ना पड़े, मतलब जितनी भी आग लगाओ काला नहीं पड़ेगा, फिर इसे बाद में धोने में आसानी होगी। तो वार्निंग तो वार्निंग है, तो ठीक है ये चेक करो आप और व्यू चेक कर लो आप। ये अपना चूल्हा बन रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे बनाने का कारण ये है कि यहाँ पे हवा हवा का ज्यादा रुक नहीं रहेगा तो आग ठीक ठाक होगा। अभी भाई लोगों को देखो, ये खोद रहे हैं मिट्टी, ये क्यों खोद रहे हैं, क्योंकि इस पतीले पे लगाए ताकि ये काला ना हो। खोदो भाई खोदो, फिर चलते हैं। आ जा आ जा, भाई सीन पता क्या है, अभी हमने चिकन मैरिनेट कर लिया था दही और मसालों में, तो पहले अभी से धोएंगे, फिर यहाँ ना मिट्टी लगाएंगे हम, मिट्टी ताकि ये काला ना हो। आ जाओ, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो ना तो कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ पानी पहले बंद कर। भाई ऐसा है, हमें गांव से जुड़े हुए बंदे, बेशक शहर में रहता है पर अपने रूट्स कोई नहीं भूलता, ठीक है। बाकी सीन क्या है, मिट्टी को ऐसा थोड़ा पीसूंगा, फिर इसे थोड़ा गीला करेंगे और इसमें ना फिर इसमें लगाएंगे ताकि काला ना हो। किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मिट्टी का मैंने घोल बना लिया, ये अब इसको ना इस तरीके से लगा देंगे, जैसे ये ना ये से क्या होगा कि ना आपका ना बर्तन काला नहीं होगा कभी भी, आग में कभी बाहर जाओ कैंपिंग में कभी भी ये मिट्टी जरूर लगा लो इस तरीके से, कभी भी ना काले नहीं होंगे बर्तन आपके, उसके बाद ये आसानी से धुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कर ले
तो भाई आप फाइनली हमने मिट्टी लगाई, देखो आपको इस तरीके से मिट्टी लगानी है, देख रहे हो आप, जब आग लगेगी ना तो आपका ये जो पोर्शन है काला नहीं होनेगा, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी याद रखना, आप कभी भी कैंपिंग में जाओ अपने घर के बर्तन लेके, किसी के बर्तन लेके, तो ये काम जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमें पता है वो आपको भी पता हो, है ना, आपको भी पता लगना चाहिए एक्चुअल में है क्या। और ऐसे जो इन्जॉयमेंट है ना भाई, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ करने का अलग ही मजा है मेरे भाई। तो लाइफ में अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो मेरे भाई ठीक है, आगे की जो प्रिपरेशन वो दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्या होगा। तो ठीक है, वीडियो को मेरे साथ बने रहना और आप एक बार और व्यू देख लो आप। और हाँ, किसी भी भाई को अगर ये व्यू पसंद आया हो ना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी लोकेशन दे दूंगा। सीरियसली बताऊँ, आप फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ आओ, इन्जॉयमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चीज़ें ऐसी क्रिएट मत करना कि लोगों को परेशानी हो, है ना, जो आसपास हो, बस ये कि अपना इन्जॉयमेंट करो, ठीक है। आ जाओ, कर दिया। तो भाई फाइनली आग लगा लिया, देख लो आप, ये हमारा कुछ इस तरीके का सेटअप है चूल्हे का। और ये जो अपना भगोना है ना, ये देखो जितना भी यहाँ पे आग मतलब लग रही है, इतना एरिया काला नहीं होने का। मिट्टी देख लिया आपको, आपको लग रहा होगा यार ऐसा थोड़ी होता है, बट एक्चुअल में ऐसे ही होता है। अब ये चीज़ काली नहीं होनी की, सबसे बढ़िया रहेगी। अब ये गर्म हो जाएगा, फिर तेल तूल भूनते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। कर दिया भाई, हमने तेल की छोटी छोटी शीशा लिया थे, सबसे बढ़िया है, बच गया तो अपने घर चल जाएगा, बस यही बच, वैसा नहीं मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए। मेन रोल जो है, मेन रोल होता है मसालों का, खड़े मसाले, चिकन मसाला हम यूज़ करेंगे, पर यहाँ खड़े मसाले जितने भी हैं इसमें, जावित्री सब है इसमें, एवरीथिंग। अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कभी भी हो, बोल लिया कर चूल्हा। तो भाई ये गए खड़े मसाले, चमचा मिर्चे काटी हुई, नींबू काटा हुआ, अभी डाल लेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब डालेंगे हम प्याज, ठीक है। प्याज डाल लिया भाई, थोड़ा सलाद के लिए रख लेते ना, थोड़ी सलाद के लिए रख लीजिए। अब ये जा रहा है अदरक लहसुन, ठीक है। अभी हम अदरक लहसुन का पे अलग से भी ला रखे हैं, बट ये जो चीज़ है ना, ये नेचुरल चीज़ है तो ऑब्वियसली बढ़िया होगी। अब जाएगा भाई ये तेज पत्ता। मैं अभी पता क्यों डाल रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैंने भूनते हुए क्यों डाला। सीन क्या है, अगर मैं सिर्फ खोलते हुए तेल में डाल देता तो उसका ना जर्क निकल जाता है, जायका जो होता है। अब ये थोड़ा आराम से फ्राई होगा ना, तो ये प्याज के जायके में मिल जाएगा उसका स्वाद। ये गया अपना तेज पत्ता भाई, ये इलायची का पैकेट है, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद है, बिरयानी हो चाहे चिकन हो, ये भी बहुत जरूरी है डालना जरूरी, ठीक है। ये पता क्या है, तेज पत्ता हो तेल में एकदम से डालना चाहिए, वरना वो वहीं जल जाता है। इसको ना भूनती प्याज के साथ डालना, इसका जायका ना धीरे धीरे सब में मिल जाता है वो, तो इस चीज़ को याद रखना। और मेक श्योर एक बात जरूर याद रखना, जब भी बनाओ अगर आपको स्वाद चाहिए तो पहली बात चूल्हे बनाओ, दूसरी बात भगोने बनाओ। कभी भी चिकन को कुकर में मत बनाना, क्योंकि जितने भी उसके मिनरल जो भी है, प्रोटीन प्राटीन सब की माँ बहने को जाती है, इसलिए यहाँ बनाओ, आराम से बनाओ, तल के थोड़ा भून भान के प्यार से, और स्मोक का मतलब फ्लेवर लेके उसे तब खाओ यार, तो आग का मजा ही लगे। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो, देखो प्याज जो ब्राउन हो चुकी है, बारीक है टमाटर की, टमाटर डाल रहे अब मसाले को भुनने के बाद दिखाते हैं आपको ना। चल भाई हट जा भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो चिकन जो था हमने मैरिनेट करके रख दिया था, मसाला देखो बिल्कुल भुन चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल रेड हो चुका है, देखो ब्राउन शेप आ गया इसमें। अब डलेगा चिकन, चिकन डाल दिया, अब इसे थोड़ा चला लेते हैं। अब इसे ढक देंगे, एक हाथ देंगे कि चलेगा ये। तो भाई फाइनली ना, इधर
तो भाई फाइनली हमने पानी डाल दिया है, अभी हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और जब पक जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा इस फिल्म में, ठीक है? छोड़ दे। तो भाई देखो यहाँ चावल भी चढ़ा दिए हैं, ये दो कुकर हैं क्योंकि एक में आ नहीं पाए, एक वो है एक ऊपर रखा है उसे बाद में डालेंगे क्योंकि यहाँ चिकन पक रहा है, और ये है अपना कुकर। और यहाँ से ना एक बार व्यू देखो हटियो, एक ये दूसरा कुकर यहाँ देखो, इसमें मिट्टी ला रही ताकि काला ना हो यहाँ से ना, ये देखो। अब हटियो सामने सर रोहित, ये देखो भाई ये चेक करो आप, ओए होए 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 फुल नजारे, और यहीं बैठ के खाएंगे अपन लोग बस। तो भाई लोग फाइनली चिकन बन चुका है, चावल रेडी है, एक उस कुकर में अपना सलाद रेडी है, चिकन के एक बार शक्ल देख लो आप लोग, दिखाता हूँ, ओए होए 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 देख रहे हो, चलो अभी करते हैं फिर दिखाते हैं। तो भाई लोग अपना चिकन रेडी है, अपना देख रहे हो अपना चिकन चावल सलाद प्लेट सब रेडी है, बाकी चिकन के एक बार शक्ल दिखा रहे, ये चेक करो देख रहे हो, और सबसे बड़ी चीज दिखाऊं ये व्यू चेक करो मेरे भाई, सही बताओ तो देख रहे हो। तो ठीक है करते हैं फिर टेस्ट करते हैं, फिर वीडियो को यही एंड करते हैं, ठीक है? चलो तो भाई देखो सब रेडी हो चुका है मामला, ठीक है? बाकी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कोई नहीं छोड़ दो उसे, रोहित खाएगा कलेजी, माँ कसम इतना बढ़िया बना है ना, मैं क्या बताऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप भी कभी आओ और इस तरीके का थोड़ा एडवेंचर करो, सीरियस बताओ लाइफ का मजा ही कुछ और है, और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने कभी किया हो या करने वाले हो, ठीक है? बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी आप एक बार व्यू चेक कर लो, ठीक है? तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको आगे आगे और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो ठीक है मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ, ओके मेरे भाई, बाय लोग।